जातीय जनगणना की बात इन दिनों देश भर में मुद्दा बना हुआ है। ऐसे में नीतीश सरकार ने बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए हैं। सरकार की अगर सर्वे रिपोर्ट की हम बात करें तो बिहार में 36% अत्यंत पिछड़ा, 27% पिछड़ा वर्ग, 19% से थोड़ा सा ज्यादा अनुसूचित जाति और 1.68% अनुसूचित जनजाति की संख्या है। आपको बता दें कि जब से लिस्ट जारी हुई है इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। लेकिन सबसे पहले चलिए आपको बताते हैं कि बिहार में कुल आबादी 13,07,25,310 है। बिहार में 27% ओबीसी की आबादी है, यानी कि पिछड़ा वर्ग की। राज्य में अत्यंत पिछड़ा वर्ग की आबादी 36% है। बिहार में एससी वर्ग की आबादी 19% है, वहीं अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी वर्ग की आबादी 1.68% है। वहीं बिहार में सवर्णों की तादाद 15.52% है, भूमिहार की आबादी 2.86%, ब्राह्मणों की आबादी 3.66%, कुर्मी की जनसंख्या 2.87%, वहीं मुसहर की आबादी 3% है, यादवों की आबादी 14%, राजपूत की आबादी 3.45% है। अब ऐसे में जब से लिस्ट जारी हुई है तभी से ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। वहीं सियासी गलियारों में जो बातचीत है, जो बयान है, वो भी तेजी के साथ निकलकर सामने आ रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में कराई गई जातीय आधारित गणना को लेकर जल्द ही विधानसभा में हम जानकारी देंगे। दरअसल नीतीश कुमार ने ट्वीट कर कहा है कि जिन दलों ने इसका समर्थन किया था उन्हीं 9 दलों की बैठक बुलाई जाएगी और जाति आधारित गणना के परिणाम से उन्हें अवगत भी कराया जाएगा। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने जाति आधारित गणना के कार्य में लगी हुई पूरी टीम को बधाई भी दी है, साथ ही साथ जाति आधारित गणना के लिए सर्वसम्मति से विधानमंडल में प्रस्ताव पारित भी किया गया था। बिहार विधानसभा के सभी 9 दलों की सहमति से निर्णय लिया गया था कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से जाति आधारित गणना कराएगी। आपको बता दें कि 2 तारीख यानी कि 2 जून 2022 को मंत्रिपरिषद ने इसकी स्वीकृति दी थी। इसके आधार पर राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से जाति आधारित एक गणना करा दी है। वो क्यों कराई गई है? क्योंकि इस वक्त महिला आरक्षण बिल जब पास हुआ लोकसभा विधानसभा से तो ओबीसी को लेकर काफी ज्यादा चर्चा होने लगी कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, इससे पहले से ही आवाज उठती आई है। तो ऐसे में अब सरकार ये सोच रही है, नीतीश सरकार, कि हम सबसे पहले जाति आधारित गणना करा दें ताकि इस मुद्दे को और शक्ति के साथ हम उठा सकें। जाति आधारित गणना से न सिर्फ जातियों के बारे में पता चला है बल्कि सभी की आर्थिक स्थिति की जानकारी भी मिल गई है, ऐसा सरकार का कहना है, और इसी आधार पर सभी वर्गों के विकास उत्थान के लिए आगे हम काम करेंगे। बिहार में कराई गई जाति आधारित गणना को लेकर बिहार विधानसभा में उन्हीं 9 दलों की बैठक बुलाई जाएगी, इसको लेकर भी लगातार बातचीत हो रही है। वहीं इस पूरे मामले पर लालू यादव ने क्या कहा है वो भी मैं आपको बता रही हूं। लालू यादव ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी की अनेकों साजिशें, कानूनी अड़चनों और तमाम षड्यंत्रों के बावजूद भी बिहार सरकार ने जाति आधारित सर्वे को रिलीज कर दिया है। ये आंकड़े वंचितों, अपेक्षितों और गरीबों के समुचित विकास और तरक्की के लिए समग्र योजना बनाने और हाशिए के समूह को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व देने में देश के लिए नजीर पेश करेंगे। अब बातें तो बड़ी बड़ी हो रही हैं कि हम जो पिछड़े हैं उनके साथ विकास की बात करेंगे, विकास के पथ पर उन्हें लेकर आएंगे, जो लोग पीछे रह गए हैं उनको आगे जाने की कोशिश करेंगे, जो आर्थिक तौर पर पिछड़ गए हैं उनको भी हम आगे लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन कितना धरातल पर सफल होगा इसका इंतजार हर कोई कर रहा है, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है तो उससे पहले ही सभी दावपेच खेलने की कोशिश की जा रही है। लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि सरकार को अब सुनिश्चित करना चाहिए कि जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी हो। हमारा शुरू से मानना है कि राज्य के संसाधनों पर न्याय संगत अधिकार सभी वर्गों का हो। केंद्र में 2024 में जब हमारी सरकार बनेगी, यानी कि पहले से ही लालू यादव ये ठान कर बैठे हैं कि 2024 में उन्हीं की सरकार बनने जा रही है, तो उनका कहना है कि देश में जातिगत जनगणना कराएंगे और दलित, मुस्लिम, पिछड़ा और अति पिछड़ा विरोधी भाजपा को सत्ता से बेदखल कर देंगे। वहीं तेजस्वी यादव कह रहे हैं, जो कि बिहार के डिप्टी सीएम है, कि इसे दशकों के संघर्ष का प्रतिफल बताते हुए हम कह सकते हैं कि सरकार की नीतियां और नियत दोनों ही जाति आधारित सर्वे के आंकड़ों का सम्मान हम करेंगे। वहीं इस पूरे मामले पर विपक्ष भी लगातार हमलावर है। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि बिहार सरकार की रिपोर्ट लोगों में भ्रम फैला रही है,
उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार को अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करना चाहिए, बताएं कि कितने लोगों को नौकरी दी है, लोगों को नौकरी देने का रिपोर्ट कार्ड जारी होना चाहिए। वहीं बीजेपी अध्ययन के बाद जारी बयान पर जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो भी आपको बता रहे हैं। सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा है वो जरा आपको बता देते हैं। दरअसल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि हम लोगों ने इसे समर्थन देकर पास कराया था, बीजेपी इस रिपोर्ट का अध्ययन करेगी फिर इस पर बयान देगी। सामाजिक सर्वेक्षण जारी नहीं होने पर चौधरी ने कहा कि उस सर्वे को भी जारी करना चाहिए था, यह तय हुआ था कि उसमें आर्थिक और सामाजिक किसका उत्थान हुआ इसकी भी रिपोर्ट जारी की जाएगी। ये तमाम बातें लगातार सामने आ रही हैं। देखिए, चुनाव से पहले जातिगत जनगणना हो, जाति आधारित जनगणना हो, ओबीसी का मुद्दा हो, SC ST का मुद्दा हो या फिर जातिगत राजनीति हो, इस पर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। देखिए, अगर बिहार की हम बात करें तो बिहार में ये कहा जा रहा है कि बिहार में बहार है, नीतीश बाबू जो है वो प्रधानमंत्री पूरी तरह से, उनमें सारे गुण हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए। हमने देखा था कि पिछले दिनों की जो चादर पोशी है वो भी हो रही है, कहीं यज्ञ हो रहे हैं, कहीं हवन हो रहे हैं, कहीं दुआएं मांगे जा रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है वो देश के प्रधानमंत्री अगले बने। हालांकि अभी वो INDIA गठबंधन के साथ है, लेकिन यहां पर एक और सवाल उठ रहा है कि INDIA गठबंधन के साथ तो है ही, लेकिन वहां पर क्या उनका मन पूरी तरह से मिल पाया है, क्योंकि कहीं ना कहीं बैकफुट पर वो नजर आ रहे हैं। इधर से आवाज तो बहुत उठ रही है, लेकिन दूसरी तरफ जहां पर सभी दल मिल रहे हैं वहां पर उतनी बात नीतीश बाबू को लेकर नहीं हो रही है। फिलहाल 2024 में देखना होगा कि ये जो सर्वे कराकर सरकार लेकर आई है इसके आधार पर बिहार में किस तरह के आंकड़े नजर आते हैं लोकसभा चुनाव में।